एक बार फिर से निशु कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए पेंट ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, उसके बाद पेंट। ये रहा आपका क्रॉप टूल, क्रॉप टूल को लेंगे और देखिए यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए सीधा लाइन नहीं होता है तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट बटन आपका कीबोर्ड में मिल जाएगा, शिफ्ट बटन प्रेस कीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। देखिए इसको एक बार बाहर की तरफ इधर देखिए ऊपर ले जाना है और इसको इस तरह से कर लेंगे, हो गया। अब ये रहा सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसी में अंदर राइट क्लिक करके उसके बाद कॉपी करना है आपको, फिर कहीं भी राइट क्लिक करके उसके बाद पेस्ट। देखिए आपका आ गया, देखिए तो ये जो है कट रहा है, तो कट रहा है तो यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन, देखिए अब नहीं कट रहा है। अब यहाँ रोटेट में जाएंगे, जो नीचे वाला है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए और इसको एडजस्ट कर दीजिए, देखिए इस तरह से हो गया। और देखिए थोड़ा सा दोस्तों नीचे कर रहे हैं, ऊपर डंटी भी इसका बनाना है तो ये लेंगे क्रॉप टूल, इसको इस तरह से ऊपर करेंगे, यहाँ साइज थोड़ा सा पतला कर लीजिए 3 पिक्सल, इसको एक बार बाहर की तरफ इस तरह से, देखिए अब यहाँ से गोला वाला टूल लेकर, यहाँ से गोला वाला टूल लेकर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से फिल कलर, फिल बकेट टूल लेंगे, यहाँ से रेड कलर चूज करेंगे, इस तरह से, और इसमें फिल कर दिया। और यहाँ से इसमें भी कलर हम फिल कर दे रहे हैं इस तरह से, हमारा सेव बन गया है। अब यहाँ इस पर क्लिक करेंगे ब्रश टूल, और ये वाला लेंगे और यहाँ से पीला कलर सिलेक्ट करेंगे और कहीं कहीं पर चला दीजिए हल्का हल्का इस तरह से, देखिए सेव बन के रेडियो। यहाँ सिलेक्शन टूल पर क्लिक सिलेक्ट किए और इसको सिलेक्ट करके इधर साइड में कर दे रहे हैं। अब हमें ब्रिंजाल बनाना है तो यहाँ से ब्लैक कलर चूज कीजिए और ये वाला क्रॉप टूल, इसको इस तरह से खींच देंगे, देखिए इसको इधर करके एक बार इस तरह से। अब देखिए यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दीजिए, देखिए हो गया है इस तरह से, इसको देखिए यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और एक बार यहाँ से फिर से कर लीजिए, देखिए इस तरह से। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इसको इस तरह से डंटी बना दीजिए इसका, देखिए इस तरह से, फिर गोला वाला टूल लेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। अब इसमें कलर फिल कीजिए, देखिए इस तरह से फिल कर रहे हैं, यहाँ से पहले इस पर एडिट कलर में जाएंगे और यहाँ से चूज कर रहे हैं, देखिए, और यहाँ से ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको फिल कर दे रहे हैं, देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गया। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एज, और यहाँ से अपना डेस्कटॉप पर लोकेशन से कोई भी नाम दे दीजिए, एप्पल नाम दे रहे हैं हम, उसके बाद सेव पर इंटर बटन दबाइए या सेव बटन पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पर बन के रेडी हो गया।